हेलो दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ओके स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे, तो बिना टाइम के चले शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हमारा आंसर है हिरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा आंसर है हेनरी सीले ने। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी विद्युत प्रेस का आविष्कार किस सन में किया गया। पाँचवा क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। छठा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। सातवां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। और बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि गाड़ी ठहरे रहने पर अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? आठवां क्वेश्चन है, तांबा इसे कापर भी कहते हैं का शत्रु तत्व है गंधक। नौवां क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकरण सबसे कम होता है। दसवां क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। और हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज किस सन में की गई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां क्वेश्चन करते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। बारहवां क्वेश्चन करते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस। 13वां क्वेश्चन करते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। 14वां क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड से आ रहा है तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। तो 16वां क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस बात में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। 21वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। 22वां क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। 24वां क्वेश्चन है, हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 17वां क्वेश्चन करते हैं, यदि द्रव्यमान परिवर्तित होते हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो होगा 12 घंटे का। 28वां क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 29वां क्वेश्चन करते हैं, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिग घड़ी। 30वां क्वेश्चन करते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। 31वां हमारा दाब का मात्रक है पास्कल। तो अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का? 33वां क्वेश्चन है, झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। 34वां, केल्विन ताप माप में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। 35वां क्वेश्चन है, बाडी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। 37वां क्वेश्चन करते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी। 48वां क्वेश्चन करते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। 39वां क्वेश्चन करते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो हमारा आंसर है 2 सेकंड। 41वां क्वेश्चन करते हैं, 41वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर है बैंगलोर। प्राध्वनि विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक।
3300 वजन करते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल। 4400 वजन करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि से ताप पीड़ित व्यक्ति को निकट की दृष्टि वस्तु नहीं दिखाई देती है। 4800 वजन करते हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, तारे टिटवाते हैं अपवर्तन के कारण। और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि केले के छिलके पर हम अपने पैर रखने पर अपना संतुलन क्यों खो देते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।